कार की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज शब्द अदाकार में हम आपको ऐसे फनकार से मिलाएंगे जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी आर्ट के नाम कर दी। इस फन के जरिए वो कहां तक पहुंचे और जिंदगी ने उनको और क्या दिया, ये जानने की कोशिश करें। ये काम था, जैसे अभी मैंने देखा कि आप बैंड बाजे के जो ये ठेले हैं इनको कलर करते हैं, इनको नए तरीके से जिंदगी देते हैं और वो बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। इन साल में जो ये आपका ये वक्त गुजरा है, इसके अंदर आपको पैसे के मामले में अगर कहें तो सेटिस्फेक्शन बढ़ा है या घटा है? मार्जिन फिर भी वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। अभी ये तो अब सीजन है तो इनका हो रहा जी, ऑफ सीजन में फिर बंद रहना, उस समय पे ख्याल आ जाते हैं कि इससे तो दूसरी साइड कोई जब काम नहीं होता है या सीजन बदलता है तो अब ये होता है, दिमाग में आता है कि हम पूरे महीने के अंदर, जैसे सीजन है अगर, तो सीजन के अंदर ज्यादा आपकी अर्निंग होती है 15,000 से 20,000 के लपेटे में मान दो इस। हाँ, खर्च भी इसमें साथ साथ चलता है और जो दो जने लगते हैं, एक लड़का भी साथ में होता है, उसका भी जो हेल्पर है, हाँ हेल्पर है, उसे भी देना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तो उसे देखते हुए जो है वो इतना ही बन पाता है ज्यादा। हाँ, मार्केट से जुड़ा हुआ अगर काम वैसे चलता होता तो उसमें प्रॉपर चलता होता तो उसमें तो ज्यादा बनती रहती। अभी जी जी 8 दिन के बाद में ये रुक जाना, 6 दिन का सीजन साला चालू हो जाएगा तो फिर तो ये थोड़ी कराएंगे, फिर तो टूटा होगा फूटा होगा उसे लेके चल लेंगे। जो बताया कि इतनी रकम है, तो जो इतनी रकम जो ये आप करते हैं तो इसके अंदर गुजारा हो जाता है क्या? क्या चैलेंज रहता है इसके अंदर? गुजारा तो हो जाता, कम्प्रोमाइज तो आज के समय में करना ही होता है जी, किसी भी उसमें चले तो आप उसे कंप्रोमाइज में तो लेना ही है, करना ही है। हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है, उसकी रहमत है उसकी। अब जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर ही रहा है, तो कीमतों में भी इजाफा हुआ है। हाँ, जैसे रंग की सब सबकी। हाँ, जब आप किसी को ये बताते हो कि इतनी रकम में ये होगा तो क्या वो समझ पाते हैं इस बात को? वो तो नहीं समझ पाते हैं, तो बड़ी बारीकी से उन्हें समझाना पड़ता है सबके। आजकल जो है सारा सामान महंगे, उस पर स्तर पर चल जाए तभी तो मंथली कम हो पाती है। मगर ये है कि शौक से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो छोड़ने का भी मन ये नहीं करता कि छोड़ के चले जाएं थे। तो आपने कम से कम, हाँ मतलब चले गए, हाँ अलविदा कह के, तो यादगारी तो ये रहेगी कि हाँ कि कोई शख्स ऐसा भी था कि वो हमारे ठेले वगैरह या ऐसा काम ऐसा किया करता था। हाँ, वो बस याद के लिए, एक याद के लिए। अभी जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं तो तमाम दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो कि आर्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स हैं या इसी तरह के काम में जुड़े हुए हैं, तो खास तौर से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जो कि आर्ट से रिलेटेड लोग हैं, अलग अलग कॉलेजेस के अंदर BFA या MFA कर रहे हैं और आप ग्राउंड के ऊपर इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किन बातों का ख्याल रखें जब इस तरह की चीजें ये करें, क्योंकि जो ग्राउंड के ऊपर है? नहीं देखिए, मेरा ख्याल तो ये जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पैसा ही माध्यम नहीं रखता है, काम का जो शौक है वो आपके ज्यादा माध्यम रखता है, उससे आपकी शख्सियत ज्यादा बढ़ती है ना कि, हाँ ना कि आप, हमने देखा कि यार इसने हमें इतना पैसा दिया है इसका तो ऐसे कर दो कोई बात नहीं उल्टा सीधा, तो उससे नहीं जाता। अपनी कलाकृति जो दिखाने का है वो तो दिखा के मानो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इस तरह के कितने आर्टिस्ट जो हैं अब रह गए हैं यहाँ पे? अब तो लगभग बहुत से आर्टिस्टों ने ऐसे जो है कमी कर दिया है, बंदी कर दिया है, लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि अब ऐसा मार्केट सही होता ना सब कुछ जी, जी। मार्केट इतनी है नहीं, इसकी ट्रेड बोर्ड जो आने लगे हैं इससे फर्क पड़ गया है, तो अब लोगों ने इसकी लाइनें बदल दी हैं जो मार्केट का ही काम। नॉलेज में कितने ऐसे लोग होंगे जो अभी इस तरह का काम कर रहे हैं? होंगे लगभग, ऐसा मान लीजिए आप तो, कि 25% भी से भी कमी रह गए होंगे, रह गए होंगे इसको करने वाले, जो जिनका शौक है उनका ही जिंदा है। तो क्या जो ये बचे हुए आर्टिस्ट हैं, क्या ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट है, आर्ट का ये गिफ्ट है, क्या उन्हें दे रहे हैं आगे या प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, नहीं दे पा रहे हैं अब
जो हमें भी हमें चेले नहीं मिल पाते आप ही को नहीं मिल पाते इधर इस तरफ कम हो गया क्योंकि तेजी वाली जो साइड है उस पे पब्लिक ज्यादा रुचि रखने लगी है। ये सिलो साइड है इस पे पब्लिक की रुचि कम थी। कोई ऐसा है जिसको आप ये चाहते थे कि अब ये आपकी जो ये आर्ट है वो आगे लेकर चले इस चीज को? नहीं, जो मेरे साथ ये लड़का काम कर रहा तो ये मेरा ही लड़का है। अच्छा, हाँ, मेरे साड़ू का लड़का मेरा ही लड़का है। हाँ, तो ये इसको मैंने बढ़ाया आगे हाँ, ये कर रहा है इसमें बढ़ चढ़ के थोड़ा सा हाँ। तो बाकी लोगों का भी जो आपकी ये जो कम्युनिटी है आर्टिस्ट की ये वाली स्पेशल कम्युनिटी जो है और स्ट्रीट आर्ट के अंदर जो ये इस तरह से, तो क्या ये लोग आगे वाकई अपने बच्चों को आगे सिखाना चाहते हैं या नहीं? ना, इसे नहीं सिखाना चाहते। मैं समझता हूँ पब्लिक का रुझान इसकी साइड पे है नहीं है इतना सिखाने का। क्या वजह है कि नहीं चाहते? वजह यही है भाई, जिसमें अगर काम सिखाया जाता है तो उसमें मार्जिन भी देखा जाता है कि सीखने के बाद में मार्जिन क्या मिल सकता है। और मार्जिन नहीं मिलेगा तो फिर उस लाइन पे डालना जो है मुनासिब नहीं है। और इसका मुस्तकबिल है, कितना फ्यूचर और है इस आर्ट का? कितने वक्त के बाद में आपको लगता है कि आप जैसे आर्टिस्ट जो है ढूंढने या उस तरह का काम ढूंढने वाला मुश्किल होगा? मेरी तो ये है कि हो सकता है फिर से ये जिंदा हो। अच्छा, लोगों का रुझान इधर की साइड में आए और आप ये चाहते हैं कि बढ़े फिर इसी उससे। भाई मैं तो ये नहीं कह सकता कि, मगर मालूम पड़ता है कि हाँ, जैसे ये जो है लोगों से कमी होता चला जा रहा, तो इसे जब सीखने वाले कलाकार नहीं होंगे तो फिर करने वाला कौन होगा? वह सीखने के बाद में तो करता है, जब सीखेगा ही नहीं तो करेगा कहाँ से? तो ये है कि अपने साफ सुथरे अंदाज से उसे जो है नापतोली करने के बाद में बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज से उस काम को दिखाया जाए, ना कि उसमें जल्दबाजी की जाए। अच्छे से अच्छी कोशिश हो इस कला को दिखाने की तो वो ज्यादा बेहतर है। और टेक्निक ज्यादा से ज्यादा ढूंढने की भी जाए, क्योंकि अब तो कई साइडें ऐसी गूगल से तैयार हो गई हैं, गूगल से तैयार हो गई कि आप उसमें जा करके कई साइडें देख सकते हैं ऐसी। हाँ, तो आप डालो कोई सी भी साइड तो निकाल लो उसको। बहुत तो फास्ट जमाना है। 24-25 साल हो गए इस काम? हाँ, 24-25 साल हो गए मुझे इसे इस काम के अंदर इस काम करने। और करने की वजह यही है, करने की वजह यही है कि शायद ये यादगारी रह जाएगी, आपकी यादगार रह जाएगी। आपका काम आपकी यादगार, हमारा काम हमारी यादगारी रह जाएगी। तो आसपास के जैसे बैंड बाजे वाली जो है गाड़ियाँ पेंट भी करते हैं, पोस्टर्स भी करते हैं, बैनर्स भी करते हैं, ठीक है, और वॉल पेंटिंग भी करते हैं, सभी तरह के आर्ट के अंदर आप माहिर हैं और करते भी हैं। तो इस आर्ट के अलावा कोई और शौक है आपको? कोई मतलब कोई नहीं, सिंगिंग का शौक है। सिंगिंग का है? हाँ। तो ये बड़ा कमाल का है। तो कोई आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? पसंदीदा तो हमारे रफी साहब या मुकेश जी। अच्छा, वो दौर के है। हाँ। जैसे आप आ जाओ किशोरदा के ऊपर, किशोरदा के। हाँ, घुंगुरु की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंगुरु की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। ये शौक के लिए सारा काम करना और बहुत ज्यादा जो आपने बताया कुछ अर्निंग भी बहुत ज्यादा नहीं, तो इसमें घर की चीजें कैसे मैनेज करते हैं आप? घर की चीजें मैं ये जानता हूँ, देखो दुआओं से भी बहुत कुछ मिलता है, दुआओं से बहुत कुछ मिलता है। कभी दुआ करके तो देखें आप आपके सारे काम पूरे होंगे। आपको जो बिना बिस्तर की चारपाई होगी उस पर भी सुकून की नींद आएगी। आपकी बात से जैसे आप अंदरूनी तौर पे जैसे कहते हैं मुतमईन हैं बिल्कुल। बिल्कुल 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 जी, मेरा तो कहना यही है। और अल्लाह ताला बहुत अच्छा नवाज रहा है, उसका एहसान है, वो सब काम पूरे करता है, खुद ही अजूबे से पूरे होते रहते हैं अजूबे से। हाँ। आप आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे
नहीं, मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए ये साइड जो है ये भी एक दिल से मन से जुड़ी हुई साइड है, इसको भी ना भूला जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। ये भी एक अपने आपे में एक दीवानगी वाली साइड है, दीवानगी वाली है। हाँ अच्छा, बाकी और फालतू बातों से बच करके हाँ। अगर रुझान डाला जाए इन उन पे तो ज्यादा बेहतर है। जैसे बहुत लोग जो हैं अलग अलग तरह के काम करते हैं या जिंदगी में पढ़ाई कर रहे हैं या और किसी तरह के और नाकाम हो जाते हैं तो और हिम्मत हार जाते हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जिंदगी में हिम्मत तो नहीं हारना चाहिए। आप देखिएगा हमारे अल्लाह तबारक वाला ने दो बेटी से हमें नवाजा हाँ। कुछ के वो बेटी भी नहीं। जी जी जी। और हमें हमारे पास दो बेटी हैं जी, तो फिर भी हम ये नहीं सोचते कि यार बेटी है बेटा तो जरूरी होता हाँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह तबारक ताला अपनी जो है आदमी कोशिश करता है कभी भी ना हारे जिंदगी में, हार तो माननी नहीं चाहिए क्योंकि जिंदगी दी भी एक अनमोल नियामत है जी अल्लाह तबारक ताला की, तो उसे तो हंसी खुशी जितना बिता सकते हैं उसे हंसी खुशी बिताइएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो सिकंदर का मुकद्दर, वो सिकंदर का मुकद्दर जाने मन कहलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जितने आर्टिस्ट पूरी दुनिया के अंदर जितने आर्टिस्ट हैं या जहां कहीं जिस कोने में वो इस वक्त आपको देख रहे होंगे, उन आर्ट वालों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो सबका शुक्रिया अदा करता हूं, वो जो मेरे भाई हैं, जो मेरे अजीज हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत उनका सबका ही शुक्र गुजार हूं मैं कि मेरी लाइन से वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस लाइन को कायम रख रखा है, इसे जिंदा रख रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई आपके वक्त का, और आपने जो हमें वक्त दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार साहब का ये शेर याद दिलाता है कि हमको बेशक कोशिशें करती रहनी चाहिए। हिंदुस्तान की आर्ट को जिंदा रखना, हिंदुस्तान की लिटरेचर को जिंदा रखना एक जरूरी चीज है। जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है हमारी चीजें हमसे पीछे छोड़ती जाती हैं। आज जिस फनकार को हमने कवर किया वो हिंदुस्तान की उसी आर्ट को कवर करने की, जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी के आने से पीछे होती चली जा रही है। इस आर्टिस्ट थे जिनसे आपकी हमने मुलाकात करवाई, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने जगह दी है इस तरह के स्ट्रीट आर्टिस्ट अलग अलग चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। मेरी आपसे सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरह की आर्ट को जिंदा रखने के लिए इन लोगों की मदद की जाए और इस तरह के काम इन लोगों को दिए जाए कि ये आर्ट एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक जाए और एक ही पीढ़ी पे आके खत्म न हो जाए। शब्द तक आपके इस कहानी के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसी तरीके की दूसरी कहानियां जो कि आर्ट कल्चर से रिलेटेड हो उनको कवर करें। आपके जहन में या आपके आसपास इलाके में कोई भी ऐसी कहानी, कोई भी ऐसी चीज जो आपको दिलचस्प लगती है तो आप हमें बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी ये वक्त निकाल के हम वहां तक पहुंचे और उस स्टोरी को कवर करें। आज के इस सफर में आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।